हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिएटिव सोनियाज होम में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक चटपटी सी रेसिपी। ये रेसिपी है एक सब्जी की, जिसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे पम्पकिन, कद्दू, सीताफल या पेठा। ये कई आकार, प्रकार और रंगों का मिलता है, लेकिन भारत में ज़्यादातर हमें हरा, सफ़ेद या नारंगी रंग का ही मिलता है। इसके बहुत से व्यंजन बनते हैं। प्रमुखता इसकी कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। इसकी पान वाली मिठाई तो गजब की स्वाद होती है, और आगरे का पेठा वो तो कितना फेमस है, उसके बारे में सभी जानते हैं। इसका सूप भी बनाया जाता है और वो बहुत ही हेल्दी होता है। इसके अलावा इसका हलवा और पकोड़े भी बनाए जाते हैं। इसकी सब्जी भी कई तरह से बनाई जाती है, पर यहाँ मैं आपको इसकी खट्टी मीठी सब्जी की रेसिपी बता रही हूँ। ये मीठे कद्दू की ज़्यादा स्वाद बनती है। आइए जानते हैं कि ये कैसे बनती है। मैंने आधा किलो कद्दू लिया और उसे अच्छे से धोकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, और क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट था इसलिए मैंने इसका छिलका नहीं उतारा, छिलके समेत ही काटा। और अगर कद्दू पका हुआ हो और उसका छिलका बहुत हार्ड हो तो उसे आप हटा दीजिए। इसके अलावा मैंने एक प्याज मीडियम आकार का, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 3 कलियां लहसुन की ली और 1 हरी मिर्च, इन सबको भी बहुत बारीक बारीक काट लिया। अदरक लहसुन की आप पेस्ट भी ले सकते हैं। 4 मीडियम आकार के टमाटर लिए, उन्हें भी बारीक बारीक काट लिया। इसके अलावा हमें चाहिए नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1/4 स्पून, क्योंकि हम हरी मिर्च भी डाल रहे हैं और काली मिर्च भी डालेंगे तो इसलिए मैं 1/4 स्मॉल स्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर का ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हल्दी पाउडर 1/2 स्मॉल स्पून, और जीरा, कलौंजी, राई और मेथे, ये चारों चीज़ें भी 1/2 स्मॉल स्पून लेंगे। धनिया पाउडर हमें 1 चम्मच चाहिए, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, अमचूर 1/2 छोटा चम्मच, चीनी 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, काली मिर्च 1/4 स्पून और हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ये हम अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अलावा सरसों का तेल 2 चम्मच बड़े वाले। पहले कढ़ाई में तेल गरम कीजिए और जब उसका रंग बदल जाए तो उसमें जीरा, कलौंजी, राई और मेथा डालिए। फिर उसमें अदरक और लहसुन डालिए, थोड़ा सा भूनिए, फिर प्याज डालकर भूनिए, और जब ये गोल्डन ब्राउन होने लगे तो इसमें पेठा डालकर थोड़ा सा सॉटे कीजिए। अब इसमें नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिला दीजिए, और टमाटर डालकर धीमी आंच पे ढककर इसे थोड़ी देर पकने दीजिए, जब तक कि ये अच्छे से गल ना जाए। अब अमचूर और चीनी डालकर इसे 2-4 मिनट के लिए और पकाएं, ताकि चीनी अच्छे से उसमें घुल जाए। इसके बाद इसमें कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से मिला दीजिए। ऊपर से हरा धनिया डाल लीजिए। अब ये गर्मा गर्म खट्टा मीठा पेठा तैयार है। आप इसे फुलका, परांठा या पूड़ी के साथ खा सकते हैं। आप बनाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। आपका 1 लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो उसमें कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव सोनियाज होम को सब्सक्राइब कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।